हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। आज हम बिना गैस चलाए बिना मेहनत के 5 मिनट में बनाएंगे बाजार जैसे महंगे मोदक। एक बार बनाएंगे तो यकीन नहीं होगा कि ये महंगे मोदक सस्ते में बने कैसे। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मिक्सर जार में 1/3 कप सॉफ्ट वाली खजूर डालेंगे। लाल खजूर जो एकदम सॉफ्ट आती है वो मैंने ली है। 1/4 कप मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है। इसमें 10 काजू, 10 बादाम, 10 पिस्ता और 10 किशमिश ली है। सब मिला के 1/4 कप जितना है। 2 टेबलस्पून खसखस डालेंगे, पॉपी सीड्स। इसे ग्राइंड करेंगे, पल्स बटन दबा के इस तरह का थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड किया है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। खजूर और ड्राई फ्रूट का मिश्रण इस तरह से हम बाइंड करेंगे, तो ये अच्छे से बाइंड होना चाहिए। इस तरह का मिश्रण बनाना है। 1/2 कप फ्रीजर में रखा हुआ एकदम ठंडा काजू लिया है। ठंडा काजू हम मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करेंगे तो इसका ऑयल सेपरेट नहीं होगा और अच्छे से ये ग्राइंड होगा। इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। इसे पल्स बटन दबा के ग्राइंड करेंगे। इसे थोड़ा दरदरा ग्राइंड किया है। 1/4 कप मिश्री डालेंगे। इसे बहुत ज्यादा मीठा नहीं बनाना है, नॉर्मल मीठा हम रखेंगे। आप इसके बदले में चीनी भी डाल सकते हैं, पर मिश्री डालेंगे तो मोदक एकदम हेल्दी बनेगा। पल्स बटन दबा के इसे ग्राइंड करेंगे और इसका एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे। मिश्री डाल के एकदम फाइन पाउडर बनाया है और आप देख सकते हैं कि काजू में से ऑयल भी बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हुआ है। एकदम अच्छा फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है। और मिश्री का पाउडर एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए, वरना मोदक जब खाएंगे तभी दांतों में इसकी कचकच आवाज आएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसे एक बाउल पे निकाल लेंगे। यही मिक्सर जार में 1/2 कप सूखा नारियल का बुरादा डालेंगे। देसी किटेड कोकोनट लिया है, इसे भी मैंने फ्रीजर में रख के लिया है ताकि इसका एकदम फाइन पाउडर हम बना सके। पल्स बटन दबा के इसे ग्राइंड करेंगे। नारियल का भी एकदम फाइन पाउडर बना के रेडी कर दिया है। काजू और मिश्री का पाउडर हमने एक बाउल में निकाल लिया है, इसी में ये सूखा नारियल का बुरादा का पाउडर भी डालेंगे। नारियल का बुरादा का हमने पाउडर बनाया है, ये भी एकदम ड्राई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल सेपरेट नहीं हुआ है। बाइंडिंग के लिए इसमें 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। वेनिला एसेंस का 6 से 7 ड्रॉप डालेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। ठंडा दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें मिक्स करेंगे। 1-1 चम्मच दूध इसमें डालना है। मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच दूध ही डाला है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसका डो के जैसा बना लेंगे। 1/2 चम्मच ही डालेंगे। इस तरह से डो के जैसा इसे बना लेना है। स्टफिंग का अच्छा कलर लाने के लिए इसमें मैं ऑरेंज रेड लिक्विड कलर का 4 से 5 ड्रॉप डाल रही हूँ। आपको नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग बन के रेडी हो गया है। मोदक का मोल्ड लिया है, इसे घी से थोड़ा ग्रीस करेंगे। पिस्ता को चॉपर में एकदम बारीक चॉप करके लिया है, ये अंदर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। गार्निशिंग के लिए आप बादाम भी ले सकते हैं, इस तरह से एकदम बारीक चॉप करके। काजू का हमने व्हाइट मिश्रण बनाया है, इसे हम इस तरह से थोड़ा सा दबा के अंदर रखेंगे। से इस तरह से बंद करेंगे। थोड़ा मिश्रण डाल के अच्छे से दबाएंगे अंदर। अच्छे से ये काजू का मिश्रण दबा के सेट कर देना है। बीच में इस तरह से खड्डा रखना है, इसमें हमें स्टफिंग भरना है। ये खजूर का हमने स्टफिंग बनाया है, ये अंदर भरेंगे। ऊपर से ये काजू का मिश्रण अंदर डाल के इस तरह से इसे बंद करेंगे। धीरे से मोदक को निकालेंगे। इस तरह से मोदक बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये। इस तरह से सभी मोदक बनाएंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नीचे हम थोड़ा सा पिस्ता का मिश्रण रखेंगे। गुलाब की ड्राई पंखुड़ियों को मैंने थोड़ा सा भून के एकदम बारीक चूरा कर दिया है। ये ऊपर की साइड पे थोड़ा रखेंगे तो इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा दिखेगा। फिर ये काजू का मिश्रण लेके इस तरह से ऊपर रखेंगे। अगर हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा देंगे।
हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे। बंद कर देंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण डाल के अच्छे से दबाएंगे। स्टफिंग का मिश्रण अंदर भरेंगे। ऊपर से काजू के मिश्रण से इसे बंद करेंगे। इस तरीके से भी बना सकते हैं। आपको मैं एक मोदक कट करके बताती हूँ कि ये कैसे अंदर से दिख रहे हैं। अब देख सकते हैं अंदर से ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। बहुत ही कम समय में और कम सामग्री में मिठाई की दुकान से भी बहुत ही अच्छे मोदक बनकर के रेडी हो गए हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।